ना 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 सर, छोटा भाई समझ लो मुझे, और शकल भी सेम ही लग रही है हमारी। शकल भी ना दोस्तों सेम है यार, मतलब। और यहाँ से 25 किलोमीटर के बाद सीधा का सीधा चाइना आता है। भस्मासुर भस्म हुआ था तो अकेले हूँ पूरे खतरनाक बॉर्डर वाले एरिया में। ये मेरा राहुल भाई आज मिला है मेरे को। नमस्ते इंडिया, देवभूमि उत्तराखंड की इन खूबसूरत वादियों से अभी मैं जाने वाला हूँ आपका मुचकुंद गुफा, जो कि यहाँ से 3 किलोमीटर की दूरी में है। तो अगर आपको मुचकुंद गुफा जाना है तो ऊपर व्यास गुफा साइड से जाना होगा। मैं पहुँच चुका हूँ भारत के प्रथम चाय की दुकान में। यहीं से रास्ता आपका जाता है मुचकुंद गुफा की तरफ, और जस्ट सामने आपका है वेद व्यास गुफाएं। पाड़ा गाँव से ऊपर साइड का रोड है जो की आर्मी बॉर्डर की तरफ जाता है। फोन लेने के लिए इतना नीचे आना पड़ रहा है। ये रास्ता कुछ इस प्रकार से है मुचकुंद गुफा जाने के लिए। तो पूरा का पूरा नीचे माणा गांव है। ये वाला रोड आर्मी वालों का है। थोड़ी बहुत मेरी चेकिंग हुई, मतलब चेकिंग क्या, अपना आईडी दिखाया मैंने। तो जब कभी आप लोग यात्रा करते हैं ना, जरूर अपने पास अपना आधार कार्ड होना चाहिए। भारत का झंडा उल्टा हो गया तो इसको पहले उल्टा कर देते हैं। मुचकुंद गुफा जाने के लिए ये वाला रास्ता है। ये वाला रास्ता पूरा का पूरा आर्मी वालों का जाता है ये। और ये रास्ते से मैं जाऊँगा पैदल आपका ऊपर साइड। तो भाई साहब इतने खतरनाक पत्थर आ सकते हैं, अगर बारिश लगी तो पूरे पत्थर गिर सकते हैं नीचे। कहीं कहीं पर देखो कुछ इस प्रकार से खतरनाक रास्ते हैं भाई। यहाँ पर तो आधा रास्ता पूरा का पूरा टूट चुका, पूरा नीचे भूस्खलन हो गया है। मुचकुंद गुफा एक ऐसी गुफा है जहाँ पर विष्णु भगवान जी ने स्त्री का रूप लिया था और भस्मासुर को किया था भस्म। माणा गाँव जो कि भारत का प्रथम गाँव है, इससे 3 किलोमीटर की बॉर्डर वाले क्षेत्र में यह गुफा आता है। एरो बता रखा है कि रास्ता इस साइड से है। भयानक वाला रास्ता दिखाऊं आपको, कोई यहाँ से गिरा तो सीधे पहुँचने को आ सकता है। देखो 3 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद दोस्तों आखिरकार पहुँच गया मुचकुंद गुफा पे। यहाँ पर बोर्ड है और ये पूरा कपड़ा जो ये रोड है ये आर्मी वालों का है जो कि ऊपर ग्लेशियर जाते हैं। और इस साइड देखो, इधर इसके पीछे आपका चीन का बॉर्डर है। कहाँ से जाऊँ मैं, एक रास्ता ये दिख रहा है, एक रास्ता ये दिख रहा है। अंकल जी तो अंदर घुसना कह रहे थे इसके, जहाँ पर ये है एक रास्ता यहाँ को जा रहा है, एक रास्ता ऊपर को जा रहा है। समझ में नहीं आ रहा कि कौन सी जगह जाऊँ मैं। यहाँ साइड गुफा लग रहा है शायद, ये है आपका मुचकुंद गुफा। इसके अंदर थोड़े बहुत यहाँ पर अगरबत्ती दिख रहे हैं, क्या पता यही होगा। तो चलो चलते हैं यार अंदर की तरफ। अकेले हूँ, डर लग रही, लेकिन विष्णु भगवान जी एक मंदिर ही है यहाँ पे, तो किस बात का डर। अंदर वालो, ओ भीतर वालो, कोई नहीं अंदर। मंदिर कहाँ पर है फिर? इसके अंदर भी गुफा है ये पूरा का पूरा। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा यार रास्ता कौन सा वाला है। एक पैर का छाप तो ये दिख रहा है मुझे। पूरा खतरनाक गुफा है मुचकुंद गुफा, जहाँ पर भस्मासुर जी ना, भस्मासुर जी वो तो राक्षस था, भस्म हुआ था। तो अकेले हूँ पूरे खतरनाक बॉर्डर वाले एरिया में, पता ही नहीं चल रहा कौन सा गुफा कहाँ पर है करके। इधर से एक गुफा और उधर है, वहाँ देखते हैं कहाँ पर जो हुए थे हमारे भस्मासुर गुफा। शक्ति देमा, यहाँ से स्मेल आ रही है। मिल गया यार आखिरकार, मिल गया दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हैं विष्णु भगवान जी के दोनों पैर यहाँ पर है पत्थरों में। ये देखिए उनके दोनों चरण यहाँ पर हैं, और भस्मासुर यहीं पर भस्म हुए थे। साक्षात यहाँ पर विष्णु भगवान जी के दोनों पैर के दर्शन हो गए हैं, और भस्मासुर भी यहीं पर भस्म हुए थे। देवता प्रसन्न हो जाते हैं और उन्हें ये वर देते हैं ना, मैं कोई भी नहीं मार सकता तुम्हारे अलावा। तो चलिए यार अब यहाँ पर से चलते हैं, और खतरनाक वाला ट्रैक हुआ ये, 3 किलोमीटर बहुत चढ़ाई में था। आर्मी और सर भी बोल रहे थे कि जल्दी जल्दी आना करके, तो उनकी बात भी माननी हुई। पूरा देखो इस साइड पहाड़ के पार है आपका चीन का बॉर्डर। इस प्रकार से पत्थरों से मस्त करके झंडा लगाया गया है, और झंडा है हमारे देश का। लोगों के माध्यम से भी यहाँ पर 7 स्टोन बनाए गए हैं, मन्नतें पूरी होने के लिए। देखिए इधर पर भी बना रखा है, यहाँ पर भी बना रखा है ये, और यहाँ पर पत्थर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 7 7 स्टोन है। और पता नहीं यहाँ पर कोई जूता भूला है, ये एकदम टूरिस्ट वाला है, कैंचुआ का, डिकैथलॉन का, एक ही जूता पता नहीं एक ही जूता भी कौन भूला होगा यहाँ पे। और आपको बताऊँ सरस्वती नदी नीचे माणा से नहीं निकलती, बल्कि देखो भाई साहब ये पूरा का पूरा आपका सरस्वती नदी है, देख रहा हो पूरा सरस्वती नदी है, जो कि ना भाई साहब पूरा यहाँ साइड से ही आती है, पूरे पीछे से। और यहाँ से 25 किलोमीटर के बाद सीधा का सीधा चाइना आता है। तो इधर पहाड़ दिख रहा है, इसके पीछे चाइना है, और भाई साहब चाइना का बॉर्डर है पूरा का पूरा। तो ताई जी ने वाला बैग दिया था, इसमें 2 पराठे हैं। अभी यहाँ पर पानी भी बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपसे ये कहूँगा ना, माणा गांव का जो फर्स्ट भारत का चाय का दुकान है ना, उसके बाद पानी बिल्कुल भी नहीं मिलता है,
तो आप लोग अगर ट्रैक करते हैं यहाँ पे तो प्लीज़ पानी लेके जरूर आना। मैं चाह रहा हूँ कि जो नीचे पे फौजी वाले सर मस्त अगर ड्यूटी निभा रहे थे अपना, एक पराठा वो आलू का एक पराठा मैं खाऊँगा। तो यार दोस्तों, माणा गाँव से 3 किलोमीटर की दूरी में मुस्कुंदू गुफा है, एकदम चढ़ाई वाला रास्ता है भाई, पानी की कमी है बहुत ही ज़्यादा, साफ सी बात नो बकवास, और जो रास्ता है एकदम घासी घास वाला है, ठीक है। इस प्रकार का दर्रा है ये, एकदम बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, देख सकते हैं यहाँ पे, तो एकदम ठंडा लग रहा था यहाँ पे। हाँ भाई साहब, इतना खतरनाक दर्रा था ना, अब चलते हैं फटाफट नीचे। और ये पुल से आगे हम लोग नहीं जा सकते क्योंकि वो पूरा आर्मी वाले का एरिया, और तो बढ़िया करके आर्मी वाले की गाड़ी जा रही है बॉर्डर साइड। पराठे मैंने भी नहीं खा रखा है क्योंकि वहाँ पर आर्मी वाले साइड है ना। मुस्कुंदू गुफा है वहाँ, मतलब जिसमें ना ये आपका विष्णु भगवान जी लड़के का रूप लेते हैं और भस्मासुर नहीं होते हैं जो, उनको भस्म किया था वहीं पर लड़की का रूप लेके। कौन सा भगवान बोला? विष्णु भगवान जी। विष्णु भगवान। तो मैं पराठे लेके गया था और उसके बाद वहाँ पानी नहीं मिला, तभी जाके है पानी मिलेगा थोड़ा सा। खा रहे पराठे, खा रहे आलू का है यहीं से, वो भी मैंने नहीं बना रखा है। माणा है नीचे, माणा है ना, माणा में क्या कहते हैं, एक आंटी जी थी वो मेरा ब्लॉग देखती थी, उन्होंने बना रखा है। तो बढ़िया करके अभी आ गया मुस्कुंदू गुफा से सर के वहाँ पे, आर्मी वाले सर के वहाँ पे ना, इनके लिए पूरा दिल में रिस्पेक्ट है भाई, क्योंकि आर्मी वाले तब जाके हमें, और बढ़िया करके सर ने दे दिया अंडे। सर के पास 5 अंडे हैं, एक अंडा मुझे दे दिया, एक दे रखा है। सर पराठे खा रहे हो? नहीं नहीं बस, थैंक यू। आप एक दो पराठे हैं आलू के, एक आप एक मैं, नहीं एक आपके लिए मिल ले, छोटा भाई समझ ना 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 सर, छोटा भाई समझ लो मुझे, और शक्ल भी सेम ही लग रही है हमारी, शक्ल भी ना दोस्तों सेम है यार, मतलब सब सब वाइट वाइट और छोटे छोटे आँखें, सर के भी मेरे भी दोनों सेम लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि पिछले जन्म के भाई होंगे, पिछले जन्म के भाई मिल गए दोस्तों, मेरे बड़े भैया मिल गए हैं, और बड़े भैया ने देखो मस्त दे दिया है। तो बढ़िया करके अंडा भी मैंने छिल दिया है जो सर ने दिया था मुझे, और ये पराठे खाते हैं बढ़िया करके। ये मेरा राहुल भाई आज मिला है मेरे को, ये कौन सा जगह था, मन्ना का ऊपर माणा, माणा मुस्कुंदू गुफा साइड। हाँ मेरे को अच्छा लगा, इसलिए मैं भाई के साथ थोड़ा आधा घंटा तक टाइम पास किया है, भाई भी थक के आया था वो पड़ गया था। तो सर ने मेरे को अंडा खिला दिया, और सर ने मुझे इतना ज़्यादा समझा रखा है ना लाइफ के बारे में कि लाइफ में क्या करना क्या नहीं करना करके, तो इनका तो दिल से शुक्रिया करता हूँ, थैंक यू सो मच आपका, धन्यवाद धन्यवाद। तो मुस्कुंदू गुफा से आ गया हूँ माणा गाँव में, और बढ़िया करके आर्मी वाले सर से भी हो गई थी मुलाकात, ऐसा लग रहा था कि जैसा ही अपना बड़ा भाई हमें कुछ सिखा रहा हो ना। और माणा गांव से हो जाते हैं हम लोग विदा, ठीक है, और ये बैग भी देना है ताईजी लोगों का। यहाँ इतने ऊपर गया था मैं और यहाँ से अब आ गया हूँ ताईज, वो तो मैं आर्मी वाले के साथ ना बैठा था वहाँ, बातें कर रहा था तब, नहीं तो आगे पहुँच जाता। मिल गया था तेरे को गुफा? हाँ हाँ बढ़िया था गुफा, तो अकेले था डर लग रही थी, हाँ तभी अच्छा गुफा था। फिर मैं जाऊँगा ना, आइए यहाँ आइए। तो यार दोस्तों, अब माणा गांव से चलते हैं बढ़िया करके, ताईजी का बैग दे दिया और साथ में ताईजी ने पराठे दिए थे, धन्यवाद ताईजी का, और ताईजी धन्यवाद, हाँ थैंक यू, वेलकम। अब मिलेंगे अगले साल जून में, ठीक है, ओके नमस्ते, बढ़िया है, और आप भी हमेशा खुश रहना, आप भी रहना ऐसे मुस्कुराते रहना, ठीक है, ओके बाय बाय बाय। वीडियो देखते रहना, हाँ तो यार चलते हैं दगड़ियो, और ताई जी भी भाई साहब मेरा ब्लॉग देखते रहते हैं, पहचान लेते हैं उन्होंने, अब बढ़िया करके चलते हैं हम लोग जोशीमठ की तरफ। तो चले जी, माणा गांव से भी विदा लेने का समय आ चुका है, और बढ़िया करके धूप भी खिल चुकी है, और यहां से चलना है मैंने अब जोशीमठ की तरफ। कुबेर पर्वत भी कितना मस्त लग रहा है, और थोड़े थोड़े बादल भी अब दिखाई दे रहे हैं। तो यार दोस्तों, मिलेंगे आपको बहुत जल्दी एक नेक्स्ट ट्रैवल ब्लॉग में, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट कर देना, ठीक है, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और अपने कार्यों में हमेशा व्यस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय देवी उत्तराखंड।